फ्लाइट MH370 दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक है। एक ऐसी घटना जिसमें यात्रियों से भरा जहाज अचानक गायब हो जाता है। इस जहाज को जमीन निगल गई या आसमान निगल गया, ये कोई नहीं जानता। ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशियन एयरलाइन की एक फ्लाइट MH370 रात के 12:42 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरती है और अगले 5.5 घंटों में इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना है। ये फ्लाइट इस रूट पर आमतौर पर चलती रहती थी। इस प्लेन में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। इस फ्लाइट के कप्तान हैं जाहरी अहमद शाह, जो कि एक अनुभवी पायलट हैं, जिनको 33 सालों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव है, और इस फ्लाइट के को पायलट हैं फारिक हामिद, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का 7 सालों का अनुभव है। रात के 1:08 पर ये फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुँच जाती है। ये फ्लाइट जमीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँच जाती है। ये फ्लाइट अभी भी कुआलालंपुर के ATC के संपर्क में है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और रात के 1:19 पर ये फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और ये फ्लाइट वियतनाम के होची मिन ATC के संपर्क में आ जाती है। और फ्लाइट के कैप्टन कुआलालंपुर ATC को गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ते हैं और ये इस फ्लाइट से आने वाले आखिरी शब्द थे। वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के करीब 2 मिनट बाद ये फ्लाइट कुआलालंपुर ATC की रडार से गायब हो जाती है। अब कुआलालंपुर ATC के लिए ये एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि ये फ्लाइट उनसे बहुत दूर वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच चुकी थी। लेकिन रहस्यमय तरह से ये फ्लाइट वियतनाम की होचीमिन ATC की रडार से भी गायब हो जाती है। होचीमिन ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। होचीमिन ATC इस गायब हुए प्लेन के बारे में तुरंत कुआलालंपुर ATC को बताती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये फ्लाइट क्यों, कैसे और कहां गायब हो गई। और इस घटना के बाद फ्लाइट MH370 बन जाती है इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। सभी को लग रहा था कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह 6:30 इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट वहां पहुंची ही नहीं। तुरंत इस फ्लाइट को खोजने के लिए एक सर्च अभियान चालू किया जाता है और जहां पर फ्लाइट से आखिरी बार संपर्क टूटा था, उस जगह के कई 100 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में छानबीन की जाती है। ये सर्च अभियान इतना बड़ा था कि इस फ्लाइट को ढूंढने में 7 देशों ने अपने अपने शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को इस सर्च अभियान में शामिल किया। इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीब 3 दिनों से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है, लेकिन खोजी दल को इस फ्लाइट का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। इस घटना के करीब 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट से संबंधित एक और रहस्य सामने आता है, जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल ये फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मिलिट्री की एक रडार इस फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। इस फ्लाइट के बारे में मिलिट्री की रडार से मिले डेटा ने सबको चौंका दिया। दरअसल मिलिट्री रडार के डेटा के अनुसार जब ये फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची और सिविलियन रडार से गायब हुई, उसके बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लिया और उसके बाद यू टर्न लेकर वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगी और 31 मिनटों के बाद जहाज ने पीनांग शहर को पार करते हुए मलक्का स्ट्रेट की ओर टर्न लिया और ये फ्लाइट अंडमान और निकोबार आइलैंड की ओर उड़ने लगी। रात के 2:22 तक मिलिट्री की रडार ने इस जहाज को ट्रैक किया, उसके बाद जहाज मिलिट्री की रडार की पहुंच से भी दूर निकल गया। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था वहां तो कोई प्लेन था ही नहीं। इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। आखिर ये प्लेन कहां गया? इस प्लेन को जाना था सीधा, लेकिन इसने यू टर्न क्यों लिया और ये इंडियन ओशियन की ओर क्यों पहुंचा और मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद ये प्लेन किधर मुड़ा? सवाल अनेक थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अब खोजकर्ताओं के पास एक और बड़ी चुनौती थी, इंडियन ओशियन के एक बड़े भाग में सर्च अभियान करना। जो रेस्क्यू टीम अभी तक प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, उसने अब इंडियन ओशियन के इस भाग में प्लेन को ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी इस एरिया में भी प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। इस प्लेन की गुत्थी को अभी तक कोई समझ ही नहीं रहा था कि कुछ दिन बाद इस कहानी ने एक और नया मोड़ ले लिया और सबको हैरान कर दिया। अगले कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये प्लेन अपनी यात्रा के दौरान बार बार एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था।
दरअसल ये बोइंग 777 जहाज था जिसमें सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करने की तकनीक थी। इस जहाज ने हर एक घंटे के बाद इनमार्स सेट से संपर्क करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट डेटा को डिकोड करने के बाद पता चला कि जब ये जहाज मिलिट्री रडार से गायब हुआ उसके बाद इसने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटों तक इसी दिशा में लगातार इंडियन ओशियन के ऊपर उड़ता रहा और इस प्लेन ने सुबह 8:19 पर आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब सैटेलाइट के कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज किया और जहाज की स्पीड और उसमें मौजूद फ्यूल से जब जहाज की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशियन के इस कर्व एरिया में जहाज के होने की आशंका जताई। और इसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन और एक बड़े स्तर पर समुद्र के इस भाग की तहकीकात शुरू होती है, लेकिन इस जहाज का कोई नामोनिशान नहीं मिलता। फिर अप्रैल 2014 के बाद समुद्र के ऊपर चलने वाले सर्च ऑपरेशन को बंद करके डीप ओशियन सर्च को चालू किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक से समुद्र के नीचे की मैपिंग की गई और जहाज को सालों तक ढूंढा जाता रहा। ये सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था और लगातार 3 सालों तक इस जहाज की खोजबीन चलती रही, जिसमें $160 मिलियन का खर्चा आया, लेकिन इस जहाज का कोई अता पता नहीं चला और 3 सालों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि इस प्लेन का तो कोई अता पता नहीं चला, लेकिन इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर के एक आइलैंड पर इस जहाज का एक टुकड़ा मिला जो समुद्र की लहरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गया। ये जहाज का फ्लैपरॉन था। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैपरॉन पर रिसर्च की गई तो इस जहाज के एक खौफनाक मंजर से पर्दा उठता है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि जब ये जहाज समुद्र में क्रैश हुआ तो ये अपनी नोज के बल पानी से टकराया, जिससे ये माना जाने लगा कि फ्लाइट 370 को जानबूझकर क्रैश कराया गया था। आखिर इस फ्लाइट को क्यों क्रैश कराया गया था और इसके पीछे किसका हाथ था, इसकी छानबीन के लिए मलेशियन पुलिस ने तहकीकात की तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस फ्लाइट से संबंधित कई और राज निकलकर सामने आए जिसने सबको चौंका दिया। पहले तो ये माना जा रहा था कि इस फ्लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जिससे प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर गया होगा। इस वजह से जहाज के कप्तान ने प्लेन को यू टर्न लेकर वापस मलेशिया में इमरजेंसी लैंड कराने की सोची होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि फिर प्लेन मलेशिया में लैंड क्यों नहीं हुआ? तो इसके जवाब में ये माना जाने लगा कि हो सकता है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पायलट के केबिन के प्रेशर में बदलाव हुआ होगा, जिससे केबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और दोनों पायलट बेहोश हो गए होंगे, जिसके बाद फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर चली गई होगी, जिस वजह से वो मलेशिया में लैंड नहीं कर पाए। लेकिन इसके काउंटर में एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब जहाज ने पीनांग को पार किया उसके बाद फ्लाइट ने एक शार्प टर्न लिया। एक्सपर्ट्स की माने तो कोई भी जहाज ऑटो पायलट पर इतना शार्प टर्न नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये है कि पायलट ने जानबूझकर फ्लाइट को टर्न कराया और फ्लाइट में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं आई थी। शायद हाँ, ऐसा माना जाने लगा कि शायद फ्लाइट MH370 को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा और हाईजैकर्स फ्लाइट को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। इसके लिए पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि फ्लाइट में 2 लोग ऐसे थे जो फेक पासपोर्ट के साथ ट्रेवल कर रहे थे, जिससे ये माना जाने लगा कि हो सकता है कि इन्होंने फ्लाइट को हाईजैक किया हो। लेकिन जब इन दोनों पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला कि इनका किसी भी आतंकवाद संगठन से कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये दोनों चोरी के पासपोर्ट से यूरोप जाकर वहां सेटल होना चाह रहे थे और वैसे भी इस फ्लाइट को हाईजैक करके आतंक फैलाना एक मकसद था, तो फिर आतंकवादी इस फ्लाइट को समुद्र में क्रैश करवाने की बजाय किसी शहर पर भी क्रैश करवा सकते थे और उन्होंने सरकार से अपनी कोई डिमांड भी नहीं रखी थी। इस वजह से इस हाईजैकिंग वाली थ्योरी को भी नकार दिया गया। तो फिर फ्लाइट MH370 के पीछे किसकी साजिश थी? इसके लिए मलेशियन पुलिस ने दोनों पायलट्स के बारे में तहकीकात की तो फ्लाइट के कैप्टन जाहरी अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। दरअसल फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से पायलट्स एक रियल प्लेन को उड़ाने का अनुभव करते हैं। किसी पायलट के घर पर फ्लाइट सिमुलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि उस फ्लाइट सिमुलेटर में जो पाथ ड्रॉ किया गया था और उसमें जो कोऑर्डिनेट्स डाले गए थे वो इत्तेफाक से फ्लाइट MH370 के रूट से लगभग मेल खा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिस रूट से MH370 फ्लाइट गुजरी थी उस रूट पर फ्लाइट उड़ाने की प्रैक्टिस कैप्टन जाहरी अहमद शाह अपने फ्लाइट सिमुलेटर में कर रहे थे। इस वाक्या ने जहाज के कप्तान को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया।
अब सवाल ये आता है कि क्या वास्तव में जहाज का कप्तान ही वो शख्स था जिसने फ्लाइट MH370 को गायब करने का षड्यंत्र रचा था। तो इसके लिए इस पूरी घटना को एक बार फिर से गौर से देखना होगा कि कैसे इस फ्लाइट को गायब किया गया होगा। दरअसल कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्लेन के टेक ऑफ करने के 42 मिनट्स बाद जब प्लेन वियतनाम एयर स्पेस में प्रवेश किया होगा तब मलेशियन ATC ने प्लेन को वियतनाम ATC को हैंडओवर कर दिया। लेकिन वियतनाम ATC बार बार कोशिश करने के बाद भी प्लेन के साथ संपर्क नहीं बना पाती। ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन का ट्रांसपोंडर या तो खराब हो गया हो या उसको जानबूझकर बंद कर दिया हो। दरअसल ट्रांसपोंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा प्लेन ग्राउंड पर मौजूद ATC से संपर्क बना पाता है और अपनी एक्चुअल लोकेशन के बारे में ATC को बताता रहता है। चलो ट्रांसपोंडर बंद हुआ ये अलग बात थी, लेकिन MH370 एक आधुनिक जहाज था जिसमें ATC से संपर्क बनाने के लिए 4 से भी ज्यादा तरीके थे और सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेज एक साथ खराब हो जाएं ऐसा एविएशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब साफ था कि सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेज को जानबूझकर बंद किया गया था। अगर प्लेन में कोई तकनीकी खराबी होती तो प्लेन यू टर्न लेने के बाद लैंड क्यों नहीं किया? पायलट ने प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर से गुजारा जो कि एक इत्तेफाक नहीं था, जिससे थाईलैंड की ATC को ये लगे कि प्लेन मलेशियन ATC के संपर्क में है और मलेशियन ATC को ये लगे कि प्लेन थाईलैंड ATC के संपर्क में है। इस रूट से जाने का मतलब साफ था कि पायलट नहीं चाहता था कि प्लेन की लोकेशन को कोई ट्रैक कर पाए। प्लेन छुपते छुपाते मलाका स्ट्रेट में पहुंचकर एक और टर्न लेता है जो ये दर्शाता है कि इतनी एक्यूरेसी से प्लेन को केवल एक अनुभवी पायलट ही उड़ा सकता है, वो भी बिना ATC की सहायता लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि प्लेन में दो पायलट थे तो क्या दूसरे पायलट ने जहाज के कप्तान को ऐसा करने के लिए रोका नहीं होगा? तो इसका जवाब ये है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो दोनों पायलट प्लेन के हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचने में बिजी रहते हैं। उसके बाद प्लेन क्रूज मोड में पहुंच जाता है। उसके बाद पायलट को कुछ खाली वक्त मिल जाता है। इस खाली वक्त में को पायलट कॉकपिट के बाहर चाय या कॉफी पीने के लिए गया होगा। इतने में कैप्टन ने कॉकपिट के डोर को बंद कर दिया होगा और कॉकपिट का डोर इतना सिक्योर होता है कि उसे केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। कॉकपिट में प्लेन के अंदर ऑक्सीजन को कम या ज्यादा करने का ऑप्शन होता है। अगर कैप्टन ने प्लेन के अंदर ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर दिया होगा तो इससे यात्रियों का दम घुटने लगा होगा जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगे होंगे। पायलट प्लेन को छुपते छुपाते समुद्र के वीरान हिस्से में ले गया जहां पर वो प्लेन को क्रैश करा सकता था। हालांकि प्लेन को पानी में लैंड कराया जा सकता है और ऐसा इतिहास में कई बार किया जा सका है, लेकिन इसके लिए प्लेन को हॉरिजॉन्टली लैंड कराना होगा। लेकिन MH370 को वर्टिकली नोज के बल पानी में क्रैश कराया गया था जो पायलट को इस घटना में शक के दायरे में खड़ा कर देता है। हालांकि ये महज एक थ्योरी है कि प्लेन को जहाज के कप्तान ने ही क्रैश कराया होगा क्योंकि इस प्लेन के साथ होने वाले इंसिडेंट्स कैप्टन जाहरी अहमद शाह की ओर ही इशारा करते हैं, लेकिन सच क्या है ये अभी भी एक रहस्य है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जाहरी अहमद शाह कुछ दिनों से अपने घरेलू मतभेदों की वजह से डिप्रेशन में चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने सुसाइड करने के लिए पूरे प्लेन को ही क्रैश करवा दिया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये भी कोई नहीं जानता, लेकिन सच तो ये है कि MH370 के साथ 239 लोग गायब हुए थे जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। MH370 की तरह ही एंडीज की पर्वतमालाओं में एक रूह कपा देने वाली घटना घटी जिसमें यात्रियों से भरा जहाज पहाड़ की एक वीरान चोटी पर क्रैश होता है। -30 डिग्री सेल्सियस की ठंड में जिंदा बचे लोगों के पास अपने आप को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने यार दोस्त और परिवारजनों की मुर्दा बॉडीज को खाना। सच में फ्लाइट 571 की कहानी रूह कपा देती है। फ्लाइट 571 की कहानी को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।